ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार के अंदर जो कामकाज की जो शैली है या कहिए कि पूरी कार्यशैली ही संदिग्ध है और परिवारवाद, भ्रष्टाचार और एक तरह से कहिए कि पूरे बिहार को भ्रम में रखने की कोशिश हो रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है, अभी सुल्तानगंज में पुल गिरा, कल जमुई में पुल गिर गया है, लेकिन नीतीश कुमार जी बजाय कि इन मुद्दों पर काम करें वो कभी रावड़ी आवास जाते हैं, कभी वो दिल्ली आवास जाते हैं। जाने की वजह ये है कि उन्होंने ये अपनी मर्जी से फैसला नहीं किया था कि जो महागठबंधन में जाने का उनका फैसला था, कहीं न कहीं पार्टी के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो दूसरे लोग हैं उनके दबाव में ये लिया गया फैसला था। और अब उनको हर फैसले के लिए कहीं न कहीं लालू जी का, रावड़ी जी का या तेजस्वी जी के सहमति का उनको इंतजार करना पड़ता है। शायद यही कारण है कि बिहार के अंदर अगर अपराध को देखें आप तो हर दिन सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में अपराध की गति बढ़ी है। कामकाज पूरी तरह से ठप है और तेजस्वी जी को जल्दबाजी है कि वो जल्द से जल्द बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं, और तेजस्वी जी और ललन सिंह जी ये दोनों लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार जी को किसी तरह से दिल्ली संयोजक ना भी बन पाए तो वहाँ भेजा जाए ताकि ललन जी को उप मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बनाया जाए। निश्चित तौर पर ये जो तमाम गतिविधियां बिहार के अंदर हो रही है इससे बिहार निराश है, हताश है, परेशान है और बिहार एक नए विकल्प की ओर जाना चाहता है। राष्ट्रीय लोक जनता दल नए संस्करण में बिहार को जदयू का विकल्प देने की तैयारी में है और आज की जो ये बैठक आप देख रहे हैं उसी दिशा में हमारा एक बड़ा कदम है। महिला आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार का बयान आया है, समर्थन में बयान आया, समर्थन किए हैं उनका, क्या लेते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी हो या आरजेडी हो, ये तमाम लोग वोट की राजनीति के लिए एक तरफ तो कहते हैं कि हम इस चीज की डिमांड करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको इस बात का भय भी होता है कि कहीं एक बड़ी आबादी उनको छोड़ ना दे। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोक जनता दल भी ये समझती है कि महिलाओं को जब ये आरक्षण मिल रहा है तो उसमें समाज के जो पिछड़े वर्ग से जो महिलाएं आती हैं, जो अति पिछड़े वर्ग से महिलाएं आती हैं, उनको निश्चित तौर पर आरक्षण मिले। लेकिन जिस तरह से पिछले 9 साल 9.5 साल पूरे देश के अंदर एनडीए सरकार में उपस्थिति रही है नीतीश कुमार जी को की, और सिर्फ बयानबाजी करने का काम किया गया है, बिहार को पूरे देश को स्वागत करना चाहिए महिला आरक्षण विधेयक का। ये आज से 75 साल पहले हो जाना चाहिए था, हम लोगों ने काफ़ी देर किया। जब 96 में पहली बार ये विधेयक आया था उस वक्त भी इन्हीं पार्टियों ने जानबूझ करके विरोध करके इतने लंबे समय तक इसको रोके रखा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में पहले सभी को मिला पंचायती राज व्यवस्था का लाभ, उसके बाद महिलाओं को भी उसमें जोड़ा गया, फिर पिछड़ों अति पिछड़ों को भी जोड़ा गया, तो हम उम्मीद करते हैं कि एनडीए अगले संस्करण में जब आएगी इस देश के अंदर तो पिछड़ा और अति पिछड़ा महिलाओं को भी इसमें भागीदारी मिलेगी और मजबूती से मिलेगी। नीतीश कुमार जी इसका राजनीतिक लाभ लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, बिहार की जनता जानती है कि ये लाभ उनको नहीं मिलेगा। उनका पूरा भरोसा एनडीए सरकार पर है और 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। अभी सर मनीष कश्यप का एक बयान आ रहा है, लगातार आ रहा है, जेल से ही उनका बयान वायरल हुआ है कि वो स्टालिन पे कार्रवाई का मांग किए हैं, एनएसए लगाने की मांग किए हैं, उन पे एनएसए लगाया गया है, लालू राबड़ी पे भी आरोप लगा रहे हैं, जदयू पे भी आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना? देखिए, मनीष जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि ये इंडिया गठबंधन, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं, इसका गठन ही इसलिए हुआ है कि बिहार की एक बहुमत जो आबादी है उसकी भावनाओं पर हमला किया जाए, धार्मिक विद्वेष फैलाया जाए। हम किसी भी स्थिति में, हमारी पार्टी जाति और वर्ण के आधार पर, वर्ग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी स्तर पर धार्मिक तौर पर किसी पर कोई टीका टिप्पणी करें, ये बिल्कुल गलत है। और स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है और उसके बाद जिस तरह से खड़गे जी के पुत्र का बयान आया है, आरजेडी के शिक्षा मंत्री का जिस तरह से बयान आ रहा है, निश्चित तौर पर ये पूरे देश की अस्मिता पर हमला है। महिला आरक्षण का समर्थन कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति इनको आकर्षित तो नहीं कर रहा है, फिर से बल्टी नहीं मार सकते क्या? देखिए, ये चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे वो दूसरे दलों की बात हो,
ये तमाम लोग जानबूझ करके महिला आरक्षण विधेयक को 27 सालों तक रोक करके रखा। अब जब उनको ये लगा कि इस बार एनडीए कृत संकल्पित है महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, उनको दबाव में या मजबूरी में कहिए कि महिलाओं के सम्मान में उनको आगे आना पड़ा, और पूरी देश या पूरे देश की जनता इस चीज को देख रही है, और आने वाले चुनाव में माननीय मोदी जी ने जो कदम उठाया है उसका अभिनंदन स्वागत महिलाएं कर रही है, उसका असर दिखेगा। और जो इंडिया गठबंधन के लोग जो पूरा इसको राजनीतिक करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। समर्थन के बाद क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे ऐसा लगता है क्या? मैं नहीं समझता हूं कि एनडीए में नीतीश कुमार जी के लिए कोई जगह बची है। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कम